आप हंडिया के हैं जी, ये नामकरण क्यों रखा है, क्यों पड़ा नाम क्यों पड़ा? सर हंडिया नाम पड़ने के पीछे मैं कई लोगों से अच्छा किया, लेकिन पूछा भी लोगों से, लेकिन कोई एक ऐसा मतलब ऐसा तार्किक आधार नहीं मिल पाया जिसमें मतलब पता कर पाऊँ हंडिया नाम क्यों पड़ा, कोई भी मुझे बता नहीं पाया सर। यहाँ एक लाक्षाग्रह है, हाँ लाक्षाग्रह पास, तो ये क्या पांडवों के जमाने का लक्ष्य सर? ये विवादित स्थल यहाँ के लोग मानते हैं कि वही जमाने का है, और कुछ लोग इसको मानते हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ बीच में खुदाई हुई थी, कुछ ऐसे साक्ष्य मिले थे, लेकिन कोई ऑफिशियल ऐसा डिक्लेरेशन नहीं है कि पांडवों के जमाने का है, लेकिन क्षेत्र के लोगों का ऐसा मानना है कि वही लक्ष्य है। आप गए हैं जी? जी गया। आपने क्या देखा सर? वहाँ एक घाट है, वहाँ पे क्षेत्र के लोगों का दाह संस्कार होता है, साल में एक बार आयोजन होता है मेले का, और बाकी ऐसा कुछ इमारत वहाँ पर ऐतिहासिक दिखी नहीं सर, जिसके आधार पे कहा जा सके वही लाक्षाग्रह। तो ये लाक्षाग्रह किसने बनवाया था सर? जो कहानी वैसे उसका एक गांव का नाम है, गंगा जी किनारे स्थित है, जो वर्तमान में है, लेकिन जो पौराणिक कहानी है सर ये अलग है। यह है कि दुर्योधन ने अपने किसी मित्र के द्वारा लाक्षाग्रह बनवाया था पांडवों की हत्या करवाने के लिए, पौराणिक कहानी, लेकिन ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ दिखता नहीं। ये बताएं शिक्षा आपकी कहाँ से हुई? सर सार्वजनिक इंटर कॉलेज दशहर से मैं हाई स्कूल ओके किया हूँ, और कुलभास्कर आसन पी जी कॉलेज से मैंने बी एस सी किया, कुलभास्कर आसन पी जी कॉलेज इलाहाबाद जयगढ़ से मैंने बी एस सी किया सर, बी एस सी मैथमेटिक्स, ऊपर पी जी कॉलेज से मैंने बी एड किया। अच्छा अच्छा, ये बताएं कि कितने महासागर हैं? सर महासागर पाँच हैं। पाँच कौन कौन से हैं? सर प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, उत्तर आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। ये काला सागर जी ये क्या है? सर काला सागर एक जो भूमध्य सागर से लगा हुआ काला सागर हाँ सर भूमध्य सागर से लगा हुआ एक मतलब सागर का हिस्सा, इसे झील नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इसे सागर से कनेक्टिविटी है। ठीक है सर, यूरोप के दक्षिण के पूर्वी क्षेत्र में एक सागर है सर, सागर का हिस्सा है। नाम क्यों रखा गया काला सागर? अच्छा आप कैसे ये देख रहे हो, एक लाल सागर भी है जी, ये लाल सागर क्या है? सर लाल सागर अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के को अलग करता है, और हिंद महासागर एशिया पश्चिमी एशिया और अफ्रीका अफ्रीका को अलग करता है जी सर, और यहाँ ये अरब सागर और हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है सर, जहाँ दूरदर्शन संधियों के द्वारा एक सागर किस्सा है सर, वहाँ पे एक लाल मतलब एक सागर घास पाई जाती है जो लाल होती है, इस आधार पर इसका नाम लाल सागर कहा गया है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सर प्रशांत महासागर। अच्छा, हिंद महासागर का स्थान कौन सा है? सर तीसरे स्थान पर आता है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर। हिंद महासागर सामरिक दृष्टि से क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है? सर और महासागर है जी वो इतने महत्वपूर्ण नहीं जी, ये क्यों इतना महत्वपूर्ण? सर वर्तमान की जो वैश्विक आगर है, जो वैश्विक व्यवस्था है, उसमें सर एक तो रणनीतिक स्तर पर इसे उसमें संसाधन ज़्यादा है, और दूसरा सर वहाँ से एनर्जी रूट जाती है, एनर्जी रूट क्योंकि सर जैसे चाइना है, इंडिया है, ये दोनों उदीयमान अर्थव्यवस्था हैं, आने वाले समय में वैश्विक व्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, और इनका वो जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है सर वो पश्चिमी एशिया से होती है, तो पश्चिमी एशिया से चाहे चाइना का भी और इंडिया का भी, इसमें सर क्या है कि ऊर्जा रूप है, एनर्जी रूप है, ये जो तेल का आयात करते हैं, और प्लस जो यूरोपीय देशों में आयात करते हैं तो एक व्यापारिक मार्ग भी है सर, और ये तो हो गया। प्लस इसके ऐसा हाल के शोध में पता चला है कि हिंद महासागर के बेसिन में को मतलब संसाधन बहुत हैं सर, पेट्रोलियम ऊर्जा संसाधन भी हैं, और प्लस उसे बोलते हैं सर नोड्यूल्स बोलते हैं, कुछ खनिज संसाधन भी हैं इनको लेकर के सर, और सर ये इसकी रणनीतिक अवस्थिति जो है सर वो लगभग ऐसा है कि यहाँ पे अब जो जिसका प्रभुत्व होगा वो एशिया और अफ्रीका और यूरोप तीन पे प्रभुत्व बना सकता है सर, और पहले से भी सर आप देखिए जियोग्राफी अमेरिका का सैनिक बेस है, हाल के दौर में चाइना लगातार उस पर अपना प्रभुत्व बना रहा है, भारत की तो रणनीतिक स्थिति वहाँ पे है सर। अच्छा, दक्षिण चीन सागर क्यों चर्चा में है? सर दक्षिण चीन सागर को चाइना अपने आधिपत्य के तहत अपना करना चाहता है सर, सेम चीज वहाँ पे भी है, एक तो सर वहाँ संसाधन है, और उसके साथ सर उसके वो भी व्यापारिक रूप पे आता है,
और चाइना दावा करता है कि चीन शब्द लगाई से मेरा है, जबकि वहाँ के पड़ोसीदेश अपना दावा करते हैं। उसके पास से वियतनाम हो गया, ताइवान हो गया, जो अन्य देश है सर, जापान भी हो गया, ये अपना भी दावा करते हैं, जबकि विश्व पावर कहते हैं ओपन सी, जो समुद्री मानक है उसके इतनी ओपन सी में भी आएगा, तो इसलिए सर, जो कि चाइना उसको अपना अपना कर रहा है, इसलिए दक्षिण चीन सागर के बारे में यूएनओ ने भी तो कुछ गाइडलाइन दिया है, एक संधि भी तो हो चुकी है। सर क्षमा करें, मैं चीन ने उस संधि का उल्लंघन किया है, इसलिए ये सारे देश चिंतित हैं और ये चाहते हैं कि उस संधि के अनुसार सभी को स्वतंत्रता रहे, सभी देशों के जहाज आए जाए, जाए। सर जो यहाँ तक मैं कोई रोक टोक नहीं रहे, जो चीन अपना प्रभुत्व उसमें न रखे। सर अच्छा ये आप बताएं महाद्वीप कितने हैं? सर महाद्वीप सात, महाद्वीप सात जी। कौन कौन से महाद्वीप? सर एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप और ये यूरोप महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अभी हाल में जो जिला सुरंग टनल, ये काफ़ी जी चर्चा में आ गया है, ये क्या है? सर जो जिला टनल जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो जिला ये जो जिला सर ये जोड़ता है संभवतः सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये लेह से श्रीनगर जो होता है जहाँ पे सर मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ सर, तो उसमें सर ये इतनी ऊंचाई पे है और यहाँ पे अभी अच्छा मैं पहले मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। आशुतोष जी समाज कार्य भी एक वैकल्पिक विषय है आपका, समाज सेवा और समाज कार्य में क्या अंतर है? सर बेसिकली जो समाज कार्य व्यावसायिक सेवा होता है, इसकी उत्पत्ति समाज सेवा से हुआ है सर, लेकिन जब वहाँ पे व्यावसायिक ही जुड़ जाता है सर तो समाज कार्य हो जाता है, और बिना व्यावसायिक बिना मतलब उसे स्वेच्छा भाव से हम करें सर समाज सेवा है। समाज सेवा और समाज कल्याण में क्या अंतर है? सर समाज कल्याण सामान्यतः सर शासन द्वारा किया जाता है, व्यापक स्तर किया जाता है, और जबकि समाज सेवा व्यक्ति भी कर सकता है सर, मतलब इंडिविजुअल से किया जाता है कि समुदाय का स्तर किया जा सकता है। तो समाज सेवा और समाज कल्याण है ना, हाँ इसी से क्रमिक विकास हुआ ऐसा मानते हैं समाज कल्याण? हाँ सर समाज कार्य के विकास वाले जो चैरिटी दान समाज सेवा से हुआ, और उसके बाद आगे चल के जब एक व्यवसायिक रूप लिया सर तो वो समाज कार्य बना। हमारे भारतीय समाज में आज भी सर समाज कार्य को एक मतलब व्यवसायिक रूप से अभी बहुत बहुत कम स्तर देखा जाता है, सामाजिक स्वीकृति नहीं प्राप्त होता है। यहाँ व्यावसायिक शब्द आप बोल रहे हैं ना, व्यावसायिक शब्द का क्या तात्पर्य? सर व्यावसायिक शब्द का मतलब होता है कि उसका एक व्यावसायिक उसका एक सिद्धांत कार्य करने का तरीका, और बस हम सेवा दें तो उसके बदले में मैं जीविका भोजन के लिए कुछ आपसे पैसा ले, जैसे डॉक्टर है वो एक व्यावसायिक सेवा है, शिक्षक है वो व्यावसायिक सेवा है, वैसे समाज का सेवा भी जब व्यावसायिक रूप दे देता है समाज कार्य बन जाता है, प्लस उसका एक सिद्धांत होता है सर, उसके मानक होते, प्लस जो समाज जो कार्यकर्ता होता है सर वो कहीं प्रशिक्षित हो पर रजिस्टर्ड हो। समाज कार्य क्या है, क्या समझते हैं? सर समाज कार्य एक समाज की समाज सेवा का सब व्यवसायिक स्वरूप है सर। सर एक शब्द में ये कह सकते हैं जब जो भी हम समाज के लिए कर रहे हैं सर वो एक व्यवसाय का रूप लेता है, उसके बदले में कुछ पैसा नहीं लगता सर, उससे मैं जीविका जुड़ गया तो समाज कार्य। केवल जीविका जुड़ना ही समाज कार्य को क्या जीविका से जुड़ा सर, उसके तीन बातें होती है, एक तो जो कार्यकर्ता हो प्रशिक्षित हो कहीं से शिक्षा पाए हो उसके पास डिग्री हो वो सर प्रशिक्षण हो उसका पंजीकरण हो समाज कार्य संस्थाओं द्वारा, और प्लस वो अपना मतलब उसको एक प्रोफेशन के रूप में उसको ट्रीट कर रहा हो वो जो समाज कार्यकर्ता हो गया। हाँ कार्यकर्ता समाज कार्य क्या है? सर समाज कार्य एक वैज्ञानिक पद्धति है कि समाज में लोगों की इस स्थिति में मदद किया जाए कि वो आत्मनिर्भर हो जाए, वो आगे चल के समस्या का समाधान स्वतः कर पाए, इस तरह के लोगों की मदद करने की बात करते हैं। सर समाज में जो भी सेवार्थी के रूप में व्यक्ति हो सकता है, समूह समुदाय हो सकता है अथवा समूह हो सकता है। सेवार्थी कौन हो सकता है? सेवार्थी से व्यक्ति के रूप में व्यक्ति हो सकता है, समूह के रूप में व्यक्ति का समूह हो सकता है, समुदाय हो सकता है, सर व्यक्ति के रूप में कोई पागल व्यक्ति हो सकता है, कोई विशेष व्यक्ति हो सकता है, तो कोई अशुभ समूह। ये बताइए कि समाज कार्य में कैसे लोगों की समस्या का समाधान किया जाता है? सर समाज कार्य में जो समस्या से पीड़ित हो, जैसे सर कोई पागल व्यक्ति हो सकता है, मंदबुद्धि हो सकता है, नशाखोरी पागल व्यक्ति हो सकता है, तो सर जब एक हाँ
कोई पागल हो सकता है तो समाज कार्यकर्ता के पास क्यों आएगा? वो तो सेक्रेटरिस्ट के पास आएगा ना सर। समाज कार्यकर्ता एक मनोचिकित्सक का भी कार्यकर्ता है। कभी कभी क्या होता है सर, हम मतलब उस समाज द्वारा पागल घोषित कर दिया जाता है। हमारे समाज में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं कि हम उन्हें मतलब कि मानसिक रोगी के रूप में देखते हैं। तो उनके गार्जियन जाते हैं सर, तो उसका केस रजिस्टर करता है, वो बताता है कि हम किसके पास जाना चाहिए, वो अध्ययन करेगा, अगर लगता है कि हमारे वो उसको समाज कार्यकर्ता द्वारा उसका संभव है वो करेगा, नहीं तो सलाह देगा कि इसको किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाया जाए सर, तो आप ही उसका सेवा हो सकता है। प्रोजेक्ट प्रॉपर वर्ड क्या होता है, कैसे लोगों की वो मदद करता है? समाज का अरे यार सीधे बोलो ना कि मनोसामाजिक समस्याओं से ग्रसित लोगों की मदद करता है काम करता है। ठीक है। अच्छा ये बताइए, समाज कार्य में पर्यावरणीय आशोधन का नाम सुना है जी? क्या है सर? जब किसी भी पर्यावरण आशोधन जिस भी सेवास्थी का समाज कार्यकर्ता मदद करता है तो उसके आसपास उसका परिवार रहन सहन ऑफिस में जा रहा है कहाँ जा रहा है उनके बारे में अध्ययन करता है सर, तो उसे पर्यावरण उससे संबंधित तथ्य इकट्ठा करता है, तो उसे पर्यावरण आशोधन करता है। ये पर्यावरण आशोधन है संभवतः सर, मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, हो सकता है रिकॉल मतलब क्या होता है आपने पढ़ा है और उसको फिर याद नहीं कर। हाँ जी जी सर, यहाँ तो आप सीधे सीधे गलत बता रहे हैं। तो कभी कभी सर होता है कि मैं मतलब शब्द को समझने में गलती कर रहता हूँ, तो शायद मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। आप शब्द को समझने में गलती करते हैं, प्रशासन में यही गलती कीजिएगा, डंडा चलवा दीजिएगा। नहीं सर ऐसा नहीं है, वो व्यवहारिक बातें होती है, अगर वहाँ पे जब तक कोई समझ नहीं जाएगा तब तक कोई हमका स्टेप नहीं उठाएगा। तो परीक्षा भी ना समझे दीजिएगा? नहीं सर, परीक्षा भी समझ देंगे सर। सर आप पूछें, आप बेसिकली रहने वाले हैं प्रयागराज यूपी से ना जी, आप बता सकते हैं कि आपकी जो जगह है उसकी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में क्या पोजीशन गया है उसकी? आप जहाँ पे हैं अभी बताइए। नहीं पता है। आपने मैप पे इंटरनेशनल डेट लाइन तो देखी होगी ना जी, और सामान्यतः किस रूप में होती है इंटरनेशनल डेट लाइन? 180 डिग्री के समांतर को हम इंटरनेशनल डेट लाइन मानते हैं। अच्छा, और जब आप मैप पे देखते हो क्या ये हमेशा सीधी होती है या जिग जैग होती है? जिग जैग है सर। जिग इसका कोई वजह है? वजह है कि सर आप उससे डेट तय होता है, जब वो एक ही देश को दो भागों बांट देगी और एक व्यवहारिक समस्या आने लगेगी कि एक ही देश में दो डेट है, क्योंकि उसकी जब हम पूरा पश्चिम जाते हैं तो डेट बदल जाता है, तो इसलिए उसको इस व्यवहारिक समस्या को दूर करने के लिए सामान्यतः सागर से लेके हम गए हैं सर। तो वो उसको संभवतः सर 6 या 7 जगह पर उसको जिग जैग किया गया सर। कुछ द्वीपीय देश है जहाँ पे यहाँ पे भी है और वहाँ बेरिंग जल संधि के बाद रशिया और अमेरिका के बीच करने के लिए वहाँ क्रॉस किया गया। अच्छा, चंद्रमा न हो तो क्या होगा सर? चंद्रमा न हो तो उसका इम्पैक्ट बहुत प्रकार की भौगोलिक घटनाओं पड़ेगी सर, जैसे ज्वार भाटा पे प्रभाव पड़ेगा। ज्वार भाटा समुद्र में मोमेंट समुद्र धाराओं में एक गतित काम करते हैं, और समुद्र की जल जो है सर उनमें धाराएं या जो मोमेंट होता है सर तापमान को करती है संतुलित करती है सर, और उसका इम्पैक्ट पृथ्वी भी पड़ता है सर। अच्छा, आप असिस्टेंट टीचर हैं अभी? आप नहीं, अभी तो समीक्षा अधिकारी। अभी आप समीक्षा अधिकारी? अच्छा, तो बेसिकली आप अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं तरह से देखा जाए जी, है ना? तो ऐसी क्या क्वालिटी अपने अंदर पाते हैं कि आपको जिन पदों के लिए आपने अपने ऑप्ट किया हुआ है उसके लिए आपको रिकमेंड किया जाए? सर देखिए, सामान्यतः जो ये भावना आई सर जिस समाज में पले पड़े हैं सर, बचपन से देखते रहे कि सिविल सेवा को बहुत सम्मान की नज़र से देखा जाता, तो मन में भावना वहाँ से बनी सर। आगे जब मैंने देखा कि इसमें जब तैयारी के दौरान आया सर, तो मैंने देखा कि इसमें एक सिविल सेवा के जो गुण होने चाहिए वो मैं पाता हूँ कि वो मेरे अंदर है। एक तो सर किसी भी परिस्थितियों में अपने आप को बैलेंस करके अपने जूझने की क्षमता सर वो मेरे अंदर है। मेरे अंदर सर सिंपैथी एम्पैथी जैसी चीज़ें हैं, और सर मेरे अंदर एक ऑप्टिमिस्ट है, एक आशावादी हूँ, हर समय एक उम्मीद रखे रखता हूँ कि नहीं मैं चीज़ों को कर लूँगा, मैं सफल हो जाऊँगा सर। इसका अब तक की मेरी तैयारी के दौरान सर देख सकते हैं सर, हिंदी सेकेंड उर्दू सर उर्दू है। उर्दू की जरूरत क्यों पड़ी सर? उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी संख्या जो है सर मुसलमानों की है, जो वो मांग कर रहे थे सर। हमारे यहाँ एक जो हिंदुस्तानी टर्म है सर, वो केवल हिंदी की बात नहीं कर, बहुत पहले से देश के आज़ादी के आंदोलन से लेकर के सर जो गांधी जी भी यूज़ करते थे कि हिंदी भाषा तो हिंदुस्तानी भाषा, वो केवल हिंदी नहीं सर, हिंदी उर्दू थी सर। और इसके लिए सर 1989 में ये भाषा लाई गई सर। मतलब एक बात बताओ कि ये क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है?
सर दोनों एक ही चीजें हैं या कुछ अंतर? नहीं नहीं सर, जलवायु परिवर्तन का परिणाम है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग सर, ग्लोबल वार्मिंग जब तापमान में बहुत ज्यादा वायु बढ़ने की तापमान वृद्धि हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा भूमिका किसकी है सर? ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज्यादा ये सर एक जलवायु परिवर्तन है, लेकिन हाल के दौर में मानवीय हस्तक्षेप से जो औद्योगिकरण नगरीकरण हुआ, अंधाधुंध वृक्षों का कटाव हुआ और कार्बन उत्सर्जन ज्यादा हुआ, इनके कारण से पूरे तापमान में इम्बैलेंस हुआ और ग्लोबल वार्मिंग जो है वो आप ये बोल रहे हैं कि कार्बन उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड का है। जी जी सर, यदि हम पृथ्वी से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दें तो क्या होगा? सर पृथ्वी से निकाल देंगे तो तापीय संतुलन खराब हो जाएगा। जैसे वहाँ पे है सर एक बुध ग्रह पे होता है, तापमान बहुत ज़्यादा हो जाएगा सर, रात में हम शायद जीरो से बहुत नीचे ले जाएंगे और दिन में शायद बहुत ज़्यादा तापमान। स्थल पार्क का हम सुने हैं सर, बुधवान स्थल पार्क का जी, अभी कुछ हाल के कुछ महीनों में वहाँ एक फेस्टिवल हुआ था विशेष रूप से। नहीं सर मैं नहीं बोल पाया। वर्ल्ड फेस्टिवल हुआ था वहाँ पर, कुछ आपको है उसके संदर्भ में जानकारी? मैं नहीं याद कर पा रहा हूँ सर। अच्छा एक बात बताइए, जब आप किसी भी क्षेत्र को जब आप नेशनल पार्क बोलते हैं या जब आप उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम देते हैं, इसका क्या आधार क्या है? सर जब नेशनल पार्क बोलते हैं इसका मतलब वहाँ पे प्रतिबंधित चीज़ें कर दी जाती हैं, जो जब सब नेशनल पार्क आता है सर तो पर्टिकुलर उस पूरे क्षेत्र में लोगों का हस्तक्षेप बंद कर दिया जाता है। और केवल सर उसमें उसका मेन कंसेप्ट सर यह है उनमें वहाँ के जो भी जीव जंतु हैं उनको प्राकृतिक एनवायरमेंट दिया जाए, मानव हस्तक्षेप ना हो। नेशनल पार्क सर वो कौन एरिया होता है जो नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व में क्या सर? बायोस्फीयर रिजर्व का जो कोर सेक्शन होता है वो नेशनल पार्क होता है। बायोस्फीयर रिजर्व को तीन भागों में बांट देते हैं सर, कोर बफर आउटर क्षेत्र। तो जो कोर क्षेत्र होता है उसको नेशनल पार्क कह सकते हैं, बहुत रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, जबकि जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है वो एक बड़ा क्षेत्र होता है, उसके आउटर क्षेत्र में लोगों का निवास भी होता है और बफर क्षेत्र में मतलब विशेष परिस्थितियों में लोगों की का प्रवेश भी। अवधारणा कब विकसित हुई और क्यों विकसित हुई? सर जो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है सर, मैप यूएनओ के मैप कार्यक्रम से आती है सर, इसका जब ये देखा गया है मानव पर्यावरण की कीमत विकास कर रहा है और मानव जो सर ये पारिस्थितिक संतुलन असंतुलित हो रहा है उसको सतत विकास की बात करते हैं, ये अवधारणा सबसे पहले कहाँ पे आई सर? सबसे पहले सर ये शब्द आई 1972 में एक सम्मेलन होता है सर, वहाँ पे सर मैं नाम तो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, वहाँ पे ये हुआ कि सर कि हमको आने वाली जनरेशन को ध्यान में रख के विकास करना चाहिए और वहीं से ये शब्द 1972 से आता है सर। नहीं कोई ऐसे व्यक्ति विशेष हैं जिनको इस शब्द हाँ, की या धारणा की क्रेडिट दी जाती है? हाँ, जी जी सर। क्या नाम होगा? मैं नाम कर पा रहा हूँ सर। अच्छा बताओ कि जैव विविधता क्षरण के कौन कौन से कारण हो सकते हैं? जैव विविधता क्षरण बायोडाइवर्सिटी जी सर, बल्कि ये बताओ कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से जैव विविधता को कैसे नुकसान पहुँच सकता है? सर देखिए किसी भी पर्यावरण के लंबे समय तक सस्टेन करने के लिए विविधता बहुत आवश्यक होता है किसी भी इकोसिस्टम में। जब सर जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज आ जाएंगे जो भी बातें हो जाएंगी तो लोग अपने सुविधा अनुसार केवल उन चीज़ों पर व्यवस्था देंगे जो उनके लिए आवश्यक है, जो उनके लिए लाभकारी है। और एक लंबे समय के बाद सर अगर एक विविधता कम होती जाएगी और किसी एक ही प्रकार के कीट या उससे हमले से वो अगर सस्टेन नहीं कर पाएगी सर तो विविधता समाप्त हो जाएगी। जैसे सर एग्जाम्पल के रूप में देखिए देखते हैं सर, अभी हम ये महाराष्ट्र में सर जो कॉटन बीटी कॉटन की बात करते हैं सर, उसका शुरू में देखा गया कि तब कि कुछ लाभ किसानों को मिला होगा, लेकिन सर अब धीरे धीरे ये भी देखने को मिल रहा है कि उस जो भी जो जिस कॉटन में जिन जीवों को ज़्यादा जा रहा है वो एक प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर दे रहे हैं, अब वो कहीं ना कहीं अब किसानों के लिए हानिकारक प्रजातियों से कैसे हो सकता है खतरा बायोडाइवर्सिटी को? सर बिजनेस बताती है ऐसे खतरा इसे हो सकता है सर कि ये हमारा जो इन्वायरमेंट है सर या इकोसिस्टम है वो क्लोज नहीं है, वो किसी के माध्यम से आ सकती है और वैश्वीकरण के दौर में तो और ज़्यादा, क्योंकि वैश्विक खतरा कैसे हो गया जी बताओ सर? जब हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए कैसे खतरा उत्पन्न कर रहे हैं सर? ये ऐसा देखा गया है कि सब जगह कीटोन प्रजातियाँ जब वो आती हैं तो वहाँ बोलते हैं कीटोन प्रजातियाँ जब बाहरी कीटोन नहीं होता कीस्टोन होता है। हाँ सर हाँ कीस्टोन प्रजाति जब वो आते हैं सर वहाँ की जो स्थानीय जीव होते हैं सर उन पे वो चूँकि उनके चारे उनके भोजन को या इतना तेजी से उपयोग करते हैं उनको उनके प्रत्यक्षात्मक रूप से वो बैलेंस नहीं कर पाते सर, तो पिछड़ने लगते हैं और इस समय विलुप्त हो जाते हैं। आपने डिजिटल स्काई पोर्टल का नाम सुना है क्या सर? डिजिटल स्काई पोर्टल? नहीं सर नहीं सुना। आपने आपने सी बॉक्स का नाम सुना है? हाँ सी बॉक्स क्या है?
सर सी बॉक्स ये एक कार्यक्रम है भारत सरकार के महिला बाल विकास मंत्रालय का। इसका असर महिलाओं द्वारा कार्यस्थल पे अगर शोषण होता है तो उसको ऑनलाइन वो कंप्लेन कर सकती हैं सर। ये एक ऐप है सर, प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? हमारे पास पहले से बहुत सारे लेजिस्लेशन हैं हमारे पास सर। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अगर किसी कोई महिला कहीं कार्यस्थल कहीं जा भी जाती है वहाँ उसके साथ कुछ होता है सर, तो हो सकता है वहाँ वो थाने पे जाए या वहाँ जाए। इंडिया का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें क्या रैंकिंग है अभी जो लेटेस्ट जो रैंकिंग आई? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में सर हम सारी चेक करते हैं, हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर हैं श्रीलंका और बांग्लादेश। तो आपको नहीं लगता है कि जब हमारी स्थिति ये है, हम 103वें पायदान पे 103rd रैंक पे हम आते हैं, ऐसी स्थिति में हमें 3000 करोड़ खर्च करना चाहिए वहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाने के लिए? सर स्टैचू ऑफ यूनिटी की अपने एक सामरिक महत्व होती है सर, उस पर हम गरीबी को कम करने के लिए, हंगर को कम करने काम कर रहे हैं सर। हम आज़ादी से तुलना करते हैं तो बहुत कम हो गए, नो डाउट समस्याएं हैं सर, लेकिन हर देश का एक आत्मगौरव आत्मसम्मान होता है सर। ऐसे भी ऐसे स्टैचू बनाए जाते हैं सर, वो पहले ही बनते हैं आज नहीं। यदि हम उन्हीं के नाम पर हॉस्पिटल बना दिए होते तो क्या नुकसान? हाँ सर, वो जो सरकार की अपनी पॉलिसीज होती हैं सर, बेहतर हो सकता था, लेकिन उसको हॉस्पिटल बन रहे हैं। लेकिन सर हर देश का बताने से एक आत्मगौरव होता है जो अतीत को देख के लोग करते हैं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आप बताइए कि मैंने सुना है, पढ़ा है अभी हाल फिलहाल में, कि जो वर्तमान जो सरकार है विकास का तो बदलाव हो नहीं पा रहा है इनसे, तो आजकल ये क्या कर रहे हैं कि आजकल ये स्थानों के नाम बदल रहे हैं, उस पर एक अपना भगवान रंग उड़ने की डालने का प्रयास कर रहे हैं, आप इस बात से कितना सहमत हैं? सर मुझे जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ सर, पहली बात तो एक हर सरकार की एक अपना राजनीतिक एजेंडा होता है सर, वहाँ तो मैं मतलब ये नहीं, लेकिन मुझे जो लगता है सर कि जो नामकरण हो रहे हैं, जैसे सर उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज किया गया है, तो सर मैंने देखा कि जो अभी हाल में उत्तर प्रदेश की टूरिस्ट पॉलिसी आई है उसमें उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद को एक टूरिस्ट हब के रूप में विकसित करना चाहते हैं। टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने के लिए सर यहाँ पे कुंभ एक अवसर के रूप में देख रहे हैं सर, और कुंभ चूंकि एक हिंदू तीर्थ स्थल है सर, और इसलिए प्रयागराज ज्यादा सुटेबल हमको लग रहा है। नहीं, क्या आधार क्या है उसका? बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को इलाहाबादी होने पे ज्यादा गर्व महसूस करते हैं, बहुत सारे राइटर हैं जो अपने आप को इलाहाबादी के नाम पे जाने जाते हैं। देखिए सर, अगर सरकार की ये मंशा है कि एक टूरिज्म हब के रूप में विकसित कर रहे हैं इसलिए नाम बदले हैं सर, तब तो ठीक है, लेकिन अगर इसका सर कोई अन्य मंशा होगा तो मुझे लगता है सर एक मतलब कि धर्मनिरपेक्ष देश में और एक ऐसे देश में कोई कदम सरकार को ऐसे नहीं उठाना चाहिए कि जिससे कोई गलत मैसेज आए या सामाजिक समरसता पर कोई प्रभाव पड़े। कोई ऐसा क्या प्रक्रिया क्या है उससे नामकरण करने की? मुझे लगता है कि सांस्कृति ये चूँकि उत्तर सर ये जो प्राकृतिक टूरिस्ट है सर, टूरिस्ट विकसित नहीं हो सकता, ऐतिहासिक टूरिस्ट विकसित नहीं हो सकता, तो एक सांस्कृतिक टूरिस्ट विकसित करने का आधार है। इसका प्रोसेस क्या है, कैसे नाम परिवर्तन होता है? सर नाम परिवर्तन करने के लिए सर कैबिनेट फैसला लेती है, माननीय राज्यपाल से उसको आदेश करवाती है, फिर जिलाधिकारी और कमिश्नर साहब सेंटर की भूमिका होती है कहीं नहीं सर, नामकरण नहीं होती सर, कहीं नहीं होती नहीं नामकरण, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का कोई रोल नहीं सर, उनको सूचित कर दिया जाता है कि हमने नाम ये दिए थे, अब आप कार्यात्मक व्यवहार भी लेकिन फैसला नहीं है उनका कोई फूटा नहीं। थैंक यू, जस्ट अब 2 मिनट के लिए रुकिए, देन उनको क्यों चले गए उनको फीडबैक की जरूरत नहीं थी? अच्छा लगता था वैसे ही।